कैसे हैं आप सब। निकिता की किचन में आपका स्वागत है। आपके लिए आज मैं आपके लिए नई रेसिपी के साथ आई हूँ, तो चलिए देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ आज। आज मैं आपके लिए चिकन मसाला बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हम देखती हैं मैंने क्या क्या लिया है। आइए देखिए, ये चिकन है, 1 किलो चिकन है ये, और इसमें मैंने क्या क्या मसाले यूज किए हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। पहले हमको चिकन में ये मैंने अदरक लहसुन और टमाटर और प्याज, एक बड़ा प्याज, सबको मिला मिक्स करके पेस्ट बना लिया है। और ये अलग से भी अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, और ये दही है, और ये मेरे मसाले हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा चिकन है इसको हमें मैरिनेट करना है। इसमें हम थोड़ा सा ये पिसा हुआ, हमारा जो हमने पिसा हुआ था मसाला है, इसको इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा। इसका एक चम्मच लिया है मैंने, और इसमें एक चम्मच ऐसे दही ऐड करेंगे। और इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और इसमें मसाले डालने हैं आपको, इसमें आपको नमक स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि ये नमक हमारा ग्रेवी में भी जाएगा, इसलिए हम अपने हिसाब से डालेगा नमक। देखिए नमक लिया है, और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है, और इसमें मैंने लाल मिर्च डाला है एक चम्मच, छोटा चम्मच इस तरीके से। और इसको हमको सबको मसाले को हमने मैरिनेट कर लेना है, इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से रख दिया है मैरिनेट करके। अब मैं इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दूंगी ढक के। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। और ये सरसों का ऑयल एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, डाल के गर्म कर लिया था। और आगे देखिए मैं इसमें क्या डालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और ये तेज पत्ता डालूंगी, 5 से 6 तेज पत्ता लिया है मैंने, ये डालूंगी। उसके बाद ये मैंने प्याज कट करके रखे हुए थे, ये प्याज डाल दूंगी। प्याज को ज़्यादा मैंने बारीक नहीं काटा है, प्याज को आपको मोटा ही रखना है। आप थोड़ा सा प्याज मेरा हल्का ब्राउन होने लगेगा, बाकी इसमें जो मसाला डाल दूंगा, प्याज का तो मेरा बर्न हो जाएगा। प्याज मेरा हल्का ब्राउन हो चुका है, इसके बाद ये मैंने मसाले जो पीस के रखी थी उसको मैं इसमें डाल दूँ। और इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट तो था, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। दोस्तों इसमें मैंने कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, इसलिए मैं इसको मिक्स कर दूँ, मैंने नहीं पीसा था, मेरे पास था रखा हुआ, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके साथ ही पीस के डाल सकते हो। मसालों को अच्छे से भून लेंगे, और इसमें मैं बाकी के मसाले भी डाल दूँगी। नमक आपको पता है स्वाद अनुसार डालना है, देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमें उसमें भी डाला है तो इसलिए उसके हिसाब से डालेंगे। और फिर मैंने इसमें हल्दी डाला है, और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच। अगर आपको तीखा खाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चटपट आपको खाना हो तो। और इसमें मैं देसी मिर्च डालूँगी तो 1 चम्मच। उसके बाद में इसमें चिकन मसाला डालूंगी 1 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी सब मसाले को अच्छे से।
थोड़ी देर इसको करके आप थोड़ा सा डक करके ढकके में पकाऊंगी ताकि मसाले हमें अच्छे से पक जाए। देखिए दोस्तों ये मसाला हमारा किस तरह से बन गया है, ये देखिए। और इसमें मैं एक चम्मच घी डाल दूंगी देसी घी, और फिर इसको थोड़ा सा चला लूँगी। मैं इसमें डाल दूंगी, ये देख सकते हैं चिकन इसमें है, और इसको हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से आप चिकन फिर डाल दीजिए, अच्छे से डाल दीजिए। इस तरीके से और फिर इसको अच्छे से हम फिर डाल देंगे। आधा चम्मच जैसे मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और चीज को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के उसको ढक के थोड़ी देर पका दूंगी। पानी में थोड़ा ही डालूंगी, और इसके बाद इसको डाल के मैं इसको पकाऊंगी। इससे आपका चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और आपको एक अच्छी ग्रेवी मिल जाएगी। ग्रेवी आपको जितनी रखनी है आप उतना रख सकते हो। मगर इसमें चिकन मसाला है तो इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। तो ग्रेवी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही होगी, इसलिए मैं पानी हिसाब से डालूंगी इस तरीके से। और ये इतना डालिएगा कि चिकन उसमें गल जाए। आपका चिकन जो है बनके रेडी है, तो इसको मैं थोड़ा सा ढक के पका लूंगी जिससे मेरे ये चिकन है जो गल जाएंगे। उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। चिकन है वो बिल्कुल इस तरह से रेडी हो चुका है, मैंने बंद कर दिया है। इतनी ही फ्लेम इतने ही रसा रखा है मैंने इसमें, और इसमें लास्ट में मैं क्या करूँगी, लास्ट में इसमें जीरा पिसा हुआ है ऊपर से, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा पिसा हुआ था वो मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच ऐसा, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। इससे आपके बहुत अच्छी खुशबू आएगी चिकन में, और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने गैस बंद करा हुआ है, मैं गैस बंद में ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये मैं इसमें थोड़ा सा, मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने कस्तूरी मेथी डाला है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें हरा धनिया कुछ इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है इस तरीके से, और मैं इसको एक प्लेट पे निकाल के आपको दिखा। देखिए दोस्तों इसको मैंने इस तरीके से प्लेट पे निकाल लिया है, और ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। आप ये मेरी रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मिलते हैं ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।